एक ऐसा वाक्य है जिसका जो एनी शायद नहीं उनको तहरीक इंसाफ निगोशिएट मैं ही करके लाया था और मेरी उनसे बड़ी डिटेल एक मैराथन में। बाकी उनकी चीजें ऐसी है कि मेरे पे मानत है कि जब मैं इमरान खान साहब के पास गया कि मैं शाह महमूद कुरैशी के साथ आज मुखा करके आऊंगा तो आप तुम बता दो अभी कि मैं क्या ऑफर करूं, तो उन्होंने बारह जो बातें भी हैं वो बातें हमारे पास इमानत है। इमरान खान साहब क्या पता है कि मैं वो बातें जो मेरे सामने हुई हैं तहरीक इंसाफ की जो कुछ भी है वो मैं कभी ना मेरे मुंह पे आई है ना आएंगी, क्योंकि उससे ये नहीं है कि बड़ी कोई अहम बातें हैं आम बातें हैं, लेकिन बहरहाल वो एक पर्सनल है मेरी इमरान खान साहब की शामिल। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चार पाँच घंटे की निगोशिएशन के बाद रात 12:30 बजे 1 बजे हमने ये फाइनल किया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे पहले नून लीग और हमारे दरमियान में शटल पॉक बने हुए थे, वो उधर भी जाते थे और इधर भी आते थे और यही वो इंप्रेशन दे रहे थे कि आप मुझे बताएं अगर आप अच्छी ऑफर करेंगे तो आपकी तरफ आ जाऊंगा और वो ऑफर करेंगे दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं बात कुछ और करूं, मैं बात ये करूं, ये तो बात है उनके तरीके साहब में आने की। इमरान खान साहब जो मैं अगर कहूँ ना एक क्या कैसे मैं उसको रखूँ ताकि नरम तरीन अल्फाज में, इमरान खान साहब की उनकी कोई ज़हनी हम आहंगी कभी भी नहीं हो सकी तहरीक साहब में आने के बाद। अच्छा। और इमरान खान साहब वैसे भी उनकी लाइक्स और डिसलाइक बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जहांगीर तरीन कहीं उनकी बहुत लाइक्स थी और किस तरह कही होंगी लाइक्स आती रही, शाहरुख खान साहब कही होंगी कभी भी लाइक्स नहीं थी, चुनाचे वो गाहे बगाहे पब्लिक में भी एम्बेरस भी करते रहे जो पब्लिक के सामने उनके सामने। और शाहरुख खान साहब को उन्होंने एक नहीं कई मौकों पर जब तक मैं वहां था तब भी एम्बेरस किया। अब सूरत हाल यह है कि अब उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इमरान खान को बहरहाल मैं तो समझता था उसको तो बिल्कुल सियासत से होना बल्द है, लेकिन नहीं वो कोई ना कोई उनका दिमाग उसका करते क्योंकि जो लड़ने वाली सियासत होती है उसके अंदर वो उनको बड़ा एक नेचुरल नैक है। उन्होंने इसलिए किया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम उन्होंने देख के तो एस्टेब्लिशमेंट को यह बताया कि मैं आपके मुताबिक पार्टी से को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और साथ उन्होंने मुराद शहीद साहब को भी साथ ये किया है। ये असल में बड़ा कोडेड मैसेजेस होते हैं जो हर बंदा समझता है और ये मेरी अपनी जाती रीडिंग है। उन्होंने कहा कि ये तो है ही है जो मेरा जानशीन, ये उसने बड़े खुश होंगे उनका पता है कि जी वो शामिल कुरैशी साहब से उनको आसूदगी होगी और मुराद शहीद साहब से उनको जो है ना उलझन होगी। उनका ख्याल है कि मैं कितना उसको सीरियसली लेते हैं, एजिटेशन या फायर के लिए मैं मुराद सईद को रख लिया, कंडीशन उसको कितना सीरियसली लेती है, क्या है मुराद शहीद साहब का प्रेशर लेते हैं नहीं लेते और वो किस वो पति मुराद शहीद साहब को क्या इसी जो आजकल एक चली हुई है एक बहुत ज्यादा कैंपेन चली है इमरान खान साहब के लोगों के खिलाफ तो उसमें क्या मुराद शहीद भी काम आता है नहीं आता, लेकिन शामिल कुरैशी साहब जो है वो नहीं छोड़ेंगे अभी तक क्योंकि अगर जो जो छोड़ गए हैं ये जेने कि इनको तहरीक इंसाफ के तनाजुर में हम ना देखें, ना वो क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, ना वो कोई नेशनल पीपल्स पार्टी बना रहे हैं ना कोई मुस्लिम काफ बना रहे हैं, ये ऑल टुगेदर नई पार्टी बनाएंगे जिसका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं होगा। इनकी स्ट्रेंथ वाहिद होगी कि जो लोग इलेक्टेबल्स हैं वो अपना हुनर वहां आजमाएंगे।